पर इस ब्रंच हाउस की बात करूँ तो मैं थर्ड टाइम आ रहा हूँ। जुलाई में मैं फर्स्ट टाइम आया था और तभी और ब्रंच हाउस की ओपनिंग नहीं हुई थी। मैं फर्स्ट टाइम जब मैं फूल आया तो मुझे पहुँचना लगा और मुझे ट्रैवल करने का थोड़ा सा शौक है और मुझे मज़ा आता है ट्रैवल करने में। राइट नाउ की इसकी मैं परमिशन नीचे ली क्योंकि मुझे इनका खाना बहुत पसंद है। दूसरा यहाँ पर जो है आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। आपको टूर करवाता हूँ मैं एक्चुअली बना कैसे हुआ पूरा। आइए आइए मैं सर आइए पूरा लोकेशन आप देखेंगे। इस लोकेशन आप देखेंगे पॉजिटिव वाइब्स काफ़ी है। बना बहुत से तरीके से हुआ। सबसे पहले उसको बनने का तरीका और यहाँ पर बैठना है जो बैठते हैं सारा उसका तरीका। बनाने वाले जो वीडियो हैं मेरे साथ वो एक्चुअली यहाँ के शेफ है और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ठीक है आपको इनसे मिलवाऊंगा इन लास्ट मोमेंट में। ठीक है आइए थोड़ा सा शेफ आगे। और देन ये बिलोंग करते हैं बंगाल से कोलकाता से ये रसगुल्ला भाई हमारे। मोर देन जो है कह सकते हैं कि डिशेज मैं खा चुका हूँ। ठीक है और यहाँ पर आप चॉकलेट शेक बनाते हैं बहुत अच्छा एंड देन कोल्ड कॉफी जो इनकी भी डाइस होती है वो जरूर आके पीजिएगा। ये स्पेशल रिकमेंड इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तीन बार चार बार जब भी आया हूँ तीनों बार मैंने इसको पिया है। यहाँ पर इन्होंने छोटा सा बनाते हैं भी यहाँ पर छोटी छोटी फिशेज है आप देख सकते हैं एंड छोटे छोटे फिशेज यहाँ पर अवेलेबल हैं और टाइम टू टाइम इन्हें दाना डालते रहते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो कुछ ज़्यादा थी या कुछ कम नज़र आ रही है मुझे।